तो ये देख रहे हैं अभी ये फर्स्ट क्लास काला काला हो गया है अब इसको क्या करते हैं इसकी कोई भी रेसिपी में क्या फाइनल तस्वीर दिखाऊंगा यही दिखा देता रहा हूँ आपको बट जिसको आपने एहतियात से गर्म होता है खोलेगा इसको ओह और ये बेसिकली खास से कम ये आपने रखते हैं असल जनाब सब कैसे खैर से ठीक ठाक है ठंड के अंदर हाथ का अपना ही मजा है बात अब ये चेक करें कितने लोग इसको जानते हैं क्या कहते हैं आप क्या क्या इस्तेमाल है ज़रूर बताइएगा स्नैकिंग के लिए आइडियल है हेल्दी इससे ज़्यादा कोई चीज़ हो नहीं सकती है हमारे घर में आप तो नहीं अम्मी के बात तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, नहीं हुआ अम्मी ये अमून करती थी अरे अम्मी को पता था होले आ गए होले ले आओ। होले हरा चना अरुण क्या कहते हैं बताइएगा तो ये बेसिकली देखा जाए तो चने ही होते हैं और ये कच्चे होते हैं ये जैसे वो होती है मटर उस तरह से होते हैं अब जब पुराने होंगे तो सख्त होंगे ये इतने पुराने नहीं है ताज़ा है आज आए सुबह सुबह सब्जी वाले से ले लीजिएगा अम्मी क्या करती थी खैर घर में बूट पुलाव बूट पुलाव बनाएंगे आपके लिए रेसिपी लगा देंगे आ, लिंक में दे देते हैं यहाँ पे अम्मी क्या करती थी तवे को गर्म कर लेती थी उस पर डाल देती थी बस कुछ भी नहीं करना बस सिंपल रेसिपी ये रेसिपी तो नहीं है मगर सिर्फ यादें शेयर करने वाली बात है तो मैंने कहा और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं नमक क्या होता है नमक जलता है ना इसके ऊपर वो इसमें खुशबू भी दे देगा तो अगेन कोई लिमिट नहीं है एक, एक टी स्पून दो टी स्पून डाल दें और जब इसको आप खोलते हैं या फिर आप मुंह से खाते हैं बाइटिंग करते हैं ऊपर का जो नमक है ना लेयर में आपके होटों पर लगता है वही मजा देता है अदरवाइज अंदर जो तो बड़ा ब्लैंड सा होता है तो हमारे घरों में आ, हमारे खानों में ख़ासतौर पर पाकिस्तान के आ, या इंडिया के ये एक आ, बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग मौसम के हिसाब से चीज़ें बहुत खाते थे ये जब लोग अब टाइम चेंज हो गया है अब कॉफ़ी खैर कॉफ़ी पहले भी थी या चाय थी हमारे ख्याल में चाय बनती थी भाई आ चाय पे याद आया सर्दियों के दिनों में अदरक इलायची की चाय कहलाती थी उसमें ना दूध वाली होती थी नॉर्मल लेकिन कावा बनता था उसमें दूध डल जाता था लेकिन अदरक होती थी लौंग हल्की सी इलायची और दालचीनी अच्छा इंडिया में जो मसाला टी होती है दैट इस्ट ये वो बहुत स्ट्रॉग होती है आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देर मसाला टी इज टू मच ऑफ अ फ्लेवर ये जो अम्मी बनाती थी बड़ी अच्छी अगेन वही वाली बात है कि आपके घर में अगर इंडिया से आपकी मसाला टी बनती था वो लगा बहुत मसाला टी लेकिन इट्स नॉट ऑफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता था इसका तो हल्का सा इलायची का भी आएगा दालचीनी का आएगा अगेन दालचीनी का बहुत स्ट्रांग नहीं होता था यू नो समथिंग लाइटर और अदरक जो है ना मेन जो उसमें जो खुशबू थी वो अदरक की थी आया हाय अब हम श्योर अदरक कहते हैं कि अदरक है बल्कि मुझे याद है कि हर घर में नुस्खे होते थे वो अदरक को अम्मी शहद के साथ गर्म करके वो एक दाल के टुकड़ा पिला देती नस्ल जुकाम के लिए और क्या आपके घर में क्या टूट गया भाई नसल जुकाम का हाँ सोच सर्दियों में तो कुछ ना कुछ होगा जरूर शेयर कीजिएगा आय हाय 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 अभी ये जल रहा है ना जब परेशान ना होगा इसको होना है काला और ये जब काला होगा ना जलेगा ये इसको अंदर से कुक भी कर देगा और वो जो खुशबूस की आ रही है वो उसको चार चांद लगाएगी सिंपल सी रेसिपीज होती थी पहले ज़मानों में भाई अब तो हमारे बच्चे जो है ना उनको शायर भी हम, हमने ट्राई नहीं किया है बट वो वो एक टाइम था वो मखमल की और बनारसी दलाइयाँ रज़ाइयाँ घरों में होती थी वो जब वो निकलती थी रात को मूँगफलियाँ छील रहे होते थे आय हाय 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 यादें याद ही रह जाएंगी बट uh, ना वो रज़ाइयाँ रही हैं अब तो वो सब ब्लैंकेट्स और कम्फर्टर्स में जगह ही ले ली है लाइक like, सम वो उसका सर्दी का जो एक था सर्दी मनाने का मज़ा सर्दी से ज़्यादा सर्दी मनाने का मज़ा मुझे आता था और uh, कीनू uh, का रस मौसम्बी का रस उसके अंदर हल्का सा काली मिर्च डाल के नमक डाल के उसको पीना दुनिया कहेगी कैसे पागल लोगे नमक मिर्चें कौन डालता है ऑरेंज जूस के अंदर यू नो हम लोग तो डालते हैं ऐसा पाकिस्तानी इंडियन आया गैस हम सब के ये होता है इसका मज़ा ही अलग है बाद संतरे आपने खाए नहीं खाए भाई हमारे जब इलाहाबाद से ताल्लुक़ तो अम्मी के साथ इलाहाबाद की हम यात्रा पे जरूर गए थे बचपन की यादों में से वहाँ संतरे मिलते थे वो पाकिस्तान में नहीं मिलते संतरों का जो मज़ा था ना उफ भाई आपकी कोई यादें हैं संतरों से तो ज़रूर शेयर कीजिएगा तो ये देखें खूबसूरती से ये भुन रहे हैं और ये आय हाय हाय गीले गीले काले हो रहे हैं इसके बाद बनाएंगे तो ये आपने बताना है भाई इसको बूट पलाओ आपने देखना नहीं देखा आ, बनता है तो बताइए आपके कैसे बनता है हम तो बनाएंगे बूट पुलाव इससे और क्या आपके घरों में बनता है हम श्योर sure हर घर में कोई डिफरेंट रेसिपी ज़रूर होगी अच्छा इसको खाने का तरीका क्या है ये तो कभी भी खा सकते हैं स्नैक था शाम की चाय पे दोपहर में नाश्ते में बस सर्दियों में अगेन वन आर द बेस्ट मलिदा मलिदा बनाए भाई या नहीं बनाया हमने मलिदा नहीं बनाया आपके क्या मलिदा बनता है एक तो होता है नॉर्मल चपाती वाला और सर्दियों में मलिदा बनता है वो बनता है बाजरे से, तो बनाएंगे। है जी? ओ, इसकी कोई रेसिपी में को क्या फाइनल तस्वीर दिखाऊंगा यही दिखा देता हूं आपको बट इसको आपने एहतियात से गर्म होता है खोलेगा इसको ओह और ये बेच हा से गे आपने रखते हैं आपने एक कोने से पकड़ा और थोड़ा हल्का थो 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 सा कुंकुना हो जाए नॉर्मल हो जाए बट गर्म में ही मजा आता है इवन धोके रख इस्तेमाल करेंगे ना तो इसका ये उसमें गंदगी भी नहीं होती तो हल्की सी नमक की लेयर आपके पास आती है हाँ यही मजा है बॉस तैयार है एंजॉय करें बताएं कि आप मजीद क्या देखना चाहते हैं और प्लीज अगर आपको लगता है कि हम मजेदार रेसिपीज बना रहे हैं ना तो आप लाइक भी करें कमेंट्स लिखें शेयर करें ताकि होता क्या है कि फिर ऑल लोग देखते हैं ना हम भी ज़रा खुश होते हैं हाँ yeah, रेसिपी चल रही है हमारी बैठक अब बात हुई सर्दियों की सर्दियों के लिए जनाब अब हमने सोचा है सर्दियों की रेसिपीस आए तो प्लीज आपके साथ आ, हम तो लेके आएंगे कुछ चाइनीज़ भी हैं सोचेंगे है कि चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी समय चाइनीज फूड बहुत ग्रेडेट करता है सर्दियों से तो इन वो दिखाएंगे बनाएंगे आपके लिए उम्मीद है वो पसंद आएगा प्लस हम चाहते हैं जो लोग हमने बहुत से लोग कॉन्टेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं तो हमने कहा बिल्कुल तो आप अगर आप आना चाहते हैं मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे तो टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे बेहतर होगा कराची रहे ज्यादा बेहतर अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं यू नो मे बी वी कैन कम सॉल्यूशन तो कैसे हो सकता है तो बताएं ज्वाइन करें हमें हमारी टीम को ज्वाइन करें ताकि हम एक ज़बरदस्त रेसिपीज जो आपकी खास सब्जियों की रेसिपीज है वो लोगों तक दिखा सकें थैंक यू जी अल्लाह हाफिज